वेलोर वणक्कम वणक्कम बेगम अभी बेगम अभी बताइए आप तमिलनाडु में तमिल में बोलिए, वहाँ कोई कोई हिंदी कर देगा मैं समझ जाऊंगा। मैं बस कावेरी पाकम सा कुंजी, मैं ये बहुत दिना से घर नहीं सो, मेरा जिंदगानी में घर नहीं सो रहता। अब ये स्कीम आया बस था, हम ना आको पूछे तुम ना घर नहीं बल्लतिंग आकर पूछे। हाँ बल्लतिंग कर बोली मैं बस था वीडियो आए आको उन्हों भी पूछे। अच्छा कर बोल को उन्हें क्या करे, दो दिन जाको उन्हों चाको मैप डाल के दिए। हाँ जरा मुझे घर बनने के लिए ट्रांसलेशन करके बताइए। सर इन्हें बोलना है कि पहले इनका घर जो था वो झोपड़ी घर था, वो रहते थे उसमें। फिर उनके जब ये आवास के बारे में पता चला, वो जा करके अपने वीडियो से मिले और वीडियो आकर के उनका पुराना घर जो था उसको देखे थे। फिर वहाँ पे उनका मैप बनाए थे जो नया घर का, तो इसके चलते उनको नया घर मिला है। कितना समय हो गया नया घर मिले? इतने नाल आज पुदू वीडियो कटरत के 10 महीना होता है। 10 महीना हो गया? 10 महीना होता है जी। हाँ जी, तो अभी नया अच्छा घर में रहने गए तो फर्क क्या पड़ा? इन्हें वित्यासर के पड़े वीडियो को पुदू वीडियो को वो पुराने दिनों में कैसे बारिश में रहते हैं, धुआं में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, बहुत तकलीफ सब पड़े जी हमें। घर आप बने बसता हमना राहत ही है, उसका सवाब तुम ना पहुँचूंगा। हाँ बताइए। इनको इनको ये कहना है कि पहले जो झोपड़ी घर था उसमें अंधेरे में बारिश में धूप में रहते थे, तो अभी जो नया घर है उसमें ये सब सुविधाएं हैं, तो इसलिए जो कष्ट है वो अभी नहीं पड़ रहा है उनको। अच्छा, उसके कारण रात को नींद भी अच्छी आती होगी, बच्चों को भी अच्छा लगता होगा, 10 महीने में बीमारी भी नहीं आई होगी घर में। बहुत खुशी है, अच्छी नींद आती है, फिक्र नहीं है बारिश का भी, क्या भी नहीं है, बरसात का बार का क्या फिक्र भी नहीं है। हम आप तो बढ़िया हिंदी बोल देती है बेगम अभी। हिंदी मालूम नहीं थी मुझे। नहीं फिर भी बहुत अच्छा बोलती है आप। बच्चे पढ़ते हैं क्या? एक बेटी शादी करके दे दी उसको। अच्छा, तभी अभी रोजा करते होंगे तो घर में जल्दी खाना पकाना पड़ता होगा। रोजा चार बजे। तो पहले जब झोपड़ी में रहते थे तो रोजा कर पाते थे के? रात में रहते वो आगो वो टाइम गरम गरम पका कर खाना नहीं होता था, अब गरम गरम पका खाते उजाले में। झोपड़ी में रहते थे उसमें रात को खाना पकाते थे और वही सुबह खाते थे, सुबह उठ के खाना नहीं पका पाते हैं, लेकिन अभी नया घर के चलते वो अभी सुबह सुबह अच्छा खाना गरम खाते। अच्छा अच्छा, यानी सुबह रमजान का उपवास शुरू होने से पहले गरम खाना परिवार, तो परिवार वाले बहुत खुश होते हो आजकल तो। इस बार आप घर में बताइए ईदी के लिए अच्छी अच्छी भेड़ सौगात ले आए अपने घर वाले। ईद के वर्ष नाला विषय नड़कन सुन रहा। अच्छा जी, आपको संतोषी छो है। अच्छा, शौचालय का सब उपयोग करते हैं गांव में लोग? टॉयलेट यूज करते ही हमें। अच्छा, ये घर लेने में आपको किसी को पैसा तो नहीं दिया पड़ा, रिश्वत नहीं देनी पड़ी ना, किसी ने बेईमानी करनी कि नहीं की ना आपसे? इन वीड वांगरते के अलावा नहीं यार, लंच कुर्ती इंग्लैंड नहीं नहीं, हमें क्या भी किसी भी देनी, एक पैसा भी नहीं दिया। ये मुझे सुन करके अच्छा लगा। नहीं नहीं नहीं, तो गरीब को लूटने वाले इतने लोग होते हैं, वो बेचारों को इतना परेशान करते हैं, कहेंगे ये फॉर्म लेना है ये इतने पैसे दो, चलो मैं फॉर्म भर के देता हूँ इतने पैसे दो, और ऐसे ही करके लोगों गरीबों को लूट जाते हैं। तो आप लोगों को ये फायदा हो गया, मुझे अच्छा लगा। अब मेरी आपसे अपेक्षा यही है कि बच्चों को जरूर पढ़ाइए, खास करके बेटियों को पढ़ाइए। अच्छा, अगर बेटियां पढ़ेगी तो देखिए एकदम से घर में बदलाव आ जाएगा। तो आप खुश हैं मोदी जी से? खुशी से ही हमें। तो मोदी जी को हमारी खुशी, मोदी जी को आपका आशीर्वाद मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। पक्का? पक्का। हाँ तो अभी अभी जब नमाज करती हो ना रोज रमजान में,
तो ऐसी 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 नमाज करो ताकि हमारे देश की तरक्की हो, सब गरीबों का भला हो। तुम्हारी दुआ हम ना कभी भी होना जी।